हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। बट गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, मैं अपने रिस्क को कैसे मैनेज करती हूँ ताकि मैं अपने लॉसेस को कम कर सकूँ और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट, किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो 50-60% भी क्यों ना सक्सेसफुल हो, वो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो गाइज, अगर इसके अपने मेरे स्ट्रैटेजी के पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उनके जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप उन पार्ट्स को देख के मेरी स्ट्रैटेजी को समझ सके। और गाइज, वन मोर थिंग, आफ्टर दिस आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस स्ट्रैटेजी इन इंग्लिश, सो दैट दोज पीपल हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, इट विल बी हेल्पफुल टू देम, फॉर देम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड माई स्ट्रैटेजी। इसके अलावा गाइज, मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं डेली अपने चार्ट एनालिसिस डालती हूँ, जिसमें मैं डेली बताती हूँ कि कैसे मैंने आज ट्रेड लिया, कहाँ मेरी एंट्री बनी और कहाँ मैंने एग्जिट किया, आज गैप अप थी, गैप डाउन थी, आज मैंने 955 वाली कैंडल की स्ट्रैटेजी ट्रेड लिया। जो भी मैं ट्रेड लेती हूँ, मैं आफ्टर ट्रेड आप लोगों के साथ उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझनी और ईजी हो जाए। तो इसलिए गाइज, अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ और ईजिली समझना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा गाइस, आफ्टर सम टाइम मैं एक हैंड होल्डिंग चैनल भी स्टार्ट करूंगी, टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं लाइव मार्केट में आपको ट्रेड दूंगी, क्योंकि अभी जब मैं ट्रेड शेयर करती हूँ, मैं ट्रेड लेने के बाद या प्रॉफिट बुक करने के बाद आप लोगों के साथ चार्ट एनालिसिस शेयर करती हूँ, बट उस चैनल में मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगी ट्रेड, कि कब मैंने ट्रेड लिया, अभी ट्रेड बन गया, आप प्रॉफिट बुक कर लो, एवरीथिंग मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करूंगी। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चलिए, अब मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन की हेल्प से बता देती हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी में कैसे अपना रिस्क मैनेज करती हूँ। गाइज, जैसे कि आप जानते हैं, इस वीडियो में आपको बता रही हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे एक रिस्क मैनेज करती हूँ, ताकि मैं अपने लॉसेस को कम कर सकूँ और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। गाइस, अगर हम स्टॉक मार्केट के अलावा किसी भी बिजनेस की बात करें, एक बिजनेसमैन का सबसे पहला मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे अपने इस बिजनेस में सर्वाइव करना है तो मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि अगर तभी मैं किसी भी बिजनेस में हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम एक प्रॉफिट ही नहीं करेंगे तो हम उस बिजनेस में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? तो इसे स्टॉक मार्केट में भी हमारा सबसे पहला बड़ा फंडा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमें एक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा और अपने लॉसेस को कम करना होगा। उसके लिए हमें एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखनी होगी, अगर अपने रिस्क को प्रॉपर मैनेज करना होगा, तभी हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे और अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। गाइस, अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी होगी तो चाहे हम किसी भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करेंगे, अगर वो 50-60% भी अगर सक्सेसफुल हुई ना, तब भी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अगर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा रखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपने रिस्क को मैनेज करती हूँ। गाइस देखिए, मैं आपको, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया मैंने कैसे ट्रेड लेती हूँ, जैसे मेरी कोई भी कैंडल 236 लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, 5 मिनट की कैंडल, तो मैं लॉन्ग या शॉर्ट जिस भी साइड मेरा ट्रेड बनता है, मैं ट्रेड ले लेती हूँ। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है? 0 लेवल ऑफ दैट फिबोनाची, मतलब जहाँ तक मैंने वो लिया है, जहाँ तक मैंने अपनी फिबोनाची ड्रॉ करी है 0 लेवल तक, उसे 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, बट मार्केट जब जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद 3 केसेस होते हैं, उन तीन केसेस में अगर उन मार्केट रिवर्ट होकर जाती है, तो उस केस में वो अपना स्टॉप लॉस कैसे कर ट्रेल करती हूँ। 3 केसेस मतलब, अगर मार्केट ने 0.382 लेवल से रिवर्ट कर गई, या मार्केट 0.5 लेवल से रिवर्ट कर गई, या मार्केट 0.5 और 0.618 के मिड से रिवर्ट कर गई, इन तीन केसेस को मैं ट्रैक करती हूँ, और इन 3 केसेस में मैं अपना कैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करती हूँ, मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अब ये 3 केसेस याद रखिएगा कि कौन से 3 केसेस मैं ट्रैक करती हूँ। जैसे ही मैं ट्रेड लेती हूँ, मैं इन 3 केसेस को ट्रैक करती हूँ, और इन 10 केसेस में से अगर कोई भी एक केस हो जाता है, एक ही मुझे मिल जाता है, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया 236 लेवल के नीचे, मुझे कोई भी मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, वो मैंने अपना ट्रेड ले लिया। ठीक है,
उसके बाद मैं नोट करती हूँ, अगर बाई चांस उसके बाद नीचे आई, मेरे फेवर में आया मेरा ट्रेड, बट 0.382 लेवल से रिवर्ट कर गया, बैंक निफ्टी या निफ्टी जिसमें भी मैंने ट्रेड लिया, अगर वो 0.382 लेवल के में से रिवर्ट कर गया, गाइस चांसेस क्या होते हैं अगर मार्केट मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी 236 लेवल से नीचे आया और उसके बाद उसने 0.382 लेवल से रिवर्ट किया और उसके बाद दोबारा वो उसी साइड 236 लेवल को रिवर्ट क्रॉस करके उसी साइड दोबारा चला गया, तो दे आर 39 मैक्सिमम चांसेस कि बैंक निफ्टी या निफ्टी एक डबल टॉप या डबल बॉटम ज़रूर बनाएगा। उसके बाद ऑल्दो आपके फेवर में आ सकता है और उसके बाद आपका टारगेट भी 618 को अचीव कर सकता है, तो देयर आर चांसेस कि वो डबल टॉप डबल बॉटम बनाने ज़रूर जाएगा। उसके अलावा कई बार ये भी हो सकता है कि डबल टॉप डबल बॉटम के बनाने की जगह आप उसी साइड मतलब एक स्विंग दे दे, बट देयर आर चांसेस कि वो नीचे वापस ज़रूर आएगा। तो उस केस में क्या करती हूँ, जैसे ही मैंने कोई ट्रेड लिया, जैसे ही निफ्टी या बैंक निफ्टी ने अगर 0.382 लेवल से रिवर्ट कर दिया, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देती हूँ। मैं अपने स्टॉप लॉस को 0 और 236 लेवल का 50% कैलकुलेट कर लेती हूँ, वहाँ मैं अपना ट्रेल स्टॉप अपना स्टॉप लॉस लगा देती हूँ। अगर मेरा 50% अगर मेरा ब्रीच कर जाता है उसका, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऑल्दो अगर दोबारा मेरे फेवर में अगर मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी आते हैं और 236 लेवल के नीचे मुझे दोबारा अगर क्लोजिंग मिलती है, तो मैं दोबारा ट्रेड ले लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने टारगेट का वेट करती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ, उससे आपको समझना और इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट जैन की मार्केट है, ठीक है, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया 31st की 315 की कैंडल से इस कैंडल तक, फर्स्ट जैन की 920 की कैंडल तक मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये देखिए, मुझे ऑल्दो 925 की कैंडल ने क्लोजिंग दी, नीचे आया, बट मैं देखूँगी 382 के लेवल से मार्केट ने रिवर्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगी। ऑल्दो अगर मैं ट्रेड ले लेती, अगर ये कैंडल बाई चांस ये कैंडल 382 को टच नहीं करती, तो मैं यहाँ ट्रेड ले लेती, बट यहाँ पे 382 लेवल को टच हो गया, तो मुझे पता है कि मार्केट है, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें मुझे पता है कि मार्केट एक डबल टॉप डबल बॉटम ज़रूर बनाएगी, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगी, ट्रेड नहीं लूँगी। और तो अगर ये कैंडल क्लोजिंग देने के बाद अगर अगली कैंडल 382 लेवल टच कर लेती, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन दोनों के लेवल के 50% में लगा देती। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं वापस बैंक निफ्टी ऊपर गया, उसने एक डबल टॉप और डबल बॉटम बनाया, डबल टॉप बनाया और उसके बाद वापस नीचे आया, तो मुझे इस कैंडल ने 950 की कैंडल ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, 236 लेवल के नीचे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया और उसके बाद मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो ये गाइस आप एक बार जब प्रैक्टिस करेगा, बैक टेस्टिंग करेगा, आप ज़रूर देखेगा, ये नोट कीजिएगा कि जैसे ही मार्केट 0.382 लेवल से अगर रिवर्ट करेगा और उसके बाद 236 लेवल को अगर वो ब्रीच करके फिर उसी साइड चला जाएगा, तो देर आर चांसेस कि जस्ट बैंक निफ्टी या निफ्टी है एक डबल टॉप या डबल बॉटम दोबारा ज़रूर बनाएगा, उसके बाद वो दोबारा आपके फेवर में आएगा। तो अगर वो दोबारा आपको 236 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे, तो आप तब ट्रेड ले सकते हैं। और तो अगर आपने इस कैंडल में 925 की कैंडल में अगर आपने ट्रेड ले भी लिया, तो आपका स्टॉप लॉस इसका 50% होना चाहिए, ताकि आप अपने छोटे से लॉस पे निकल जाएं। उसके बाद अगर, क्योंकि अगर आप एक स्टॉप लॉस अगर इसका 50% लगाने की जगह अगर आप इसके 10 पॉइंट ऊपर लगाते, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जब आप दोबारा आप ट्रेड लेके टारगेट अचीव करते, तो आप ब्रेक इवन ही कर पाते। बट अगर आप इसका 50% अगर 236 और 0 लेवल का 50% स्टॉप लॉस लगाएंगे और दोबारा अपना ट्रेड लेंगे, तो उसके रिजल्ट क्या होगा, आप एक छोटा स्टॉप लॉस होगा और जैसे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा दोबारा, तो आप एक प्रॉफिट में बंद होंगे उस दिन। ऑल्दो ब्रेक इवन या नुकसान में अपना डे क्लोज करने की जगह आप एक प्रॉफिट में अपना डे क्लोज करेंगे। ठीक है, हो अब आपको समझ आ गया। ठीक है, उसके अलावा अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या होता है अगर मार्केट ने, अगर हमारी मार्केट ने रिवर्ट कर लिया 0.5 से। ठीक है,
अगर मतलब मैंने ट्रेड लिया उसके बाद मेरे फेवर में आया और 0.5 लेवल से रिवर्ट कर गया, उस केस में चांसेस हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा, आपके गेंस जा सकते हैं, बट फिर आपके फेवर में आके आपका 0.618 लेवल ज़रूर टच करेगा। तो उस केस में आप चाहें तो वेट कर सकते हैं अपने प्रोरे स्टॉप लॉस का, जो आपका स्टॉप लॉस आपने शुरू में लगाया था, आप चाहें तो उसका वेट कर सकते हैं। चाहें तो आप 50, जैसे आपका 0.5 लेवल टच हो तो अगर आप चाहें तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और आपका जो बचा हुआ है, जो आपका 50% अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपका जो 50% बचा है तो उसमें आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस, चाहे तो अपना पुराना स्टॉप लॉस जो आपका स्टॉप लॉस है ओरिजिनल स्टॉप, चाहे तो आप वो लगा सकते हैं। नहीं तो आप, मैं आपको राय दूंगी कि उस केस में अगर आप अभी फुल टाइम ट्रेडर है तो आप अपने लॉसेस को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, अगर आपका 0.5 लेवल टच हो जाता है उस केस में आप अपना 50% टारगेट, अपना 50% ट्रेड क्लोज कर दीजिए। जो बचा हुआ 50% है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए 0.236 और 0 लेवल का 50% आप लगा दीजिए। चांसेस कि वो कभी भी वो 50% को टच नहीं करेगा, वो वापस ही आ जाएगा आपके फेवर में और आपका सेकंड टारगेट अचीव कर देगा। बट इन एनी केस अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड चला गया और उसने उस लेवल को टच कर लिया तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस से निकल जाएंगे, और आपका जो 50% का अगर आपने छोटे स्टॉप लॉस पे कर लिया तो आप स्टिल आप अपना एक प्रॉफिटेबल डे बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही राय दूंगी कि अगर आपका जो जैसे आपका ट्रेड आपके फेवर में आए और जैसे वो 0.5 लेवल को टच करे, अगर आप स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं और आप एक फुल टाइम ट्रेडर है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप 50% अपना जो ट्रेड है वो 0.5 लेवल पे क्लोज कर दीजिए, और उस जो 50% बचा है उसके लिए आप 0.68 लेवल को का वेट कर सकते हैं, और उसके लिए आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको आप 0.0 से लेके 236 लेवल के बीच में जो 50% है उस पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मैं अभी इसको भी आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। Okay, जैसे ये एग्जांपल है 2 मार्च की, ठीक है, हमने अपना फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है, फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, हमारी एंट्री कब बनी 9:35 की कैंडल में, क्योंकि उसने क्लोजिंग दी तो हमारी एंट्री बन गई, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया 9:45 की कैंडल में, उसके बाद रिवर्स हुआ, ठीक है। हम अगर इसका 50% कैलकुलेट करके अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते तो आई थिंक इसका मैं 50% कैलकुलेट करना है तो आप इसमें फिबोनाची ड्रॉ कर देख के इसका 50% ये रहा, यहाँ पे मैं इसका 50% पे एक मार्क कर देती हूँ। तो उसने हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पहले हमारा रिवर्ट कर गया और हमारा टारगेट हमारा 10:40 की कैंडल ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। तो इस केस में अगर आप अपना 50% अगर आप अपना बुक कर लेते और अगर बाय 50% अगर आप अपना 9:45 पे बुक कर लेते और उसके बाद अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता स्टिल आप एक प्रॉफिटेबल डे होता आपका। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि स्टार्टिंग में अगर आप इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करें तो आप अपना 50% प्रॉफिट 0.5 पे कर लीजिए। ऑल्दो जब आपको प्रैक्टिस हो रही है तो आप फिर 6:18 का भी वेट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आप इसका 50% लगा दीजिएगा, 0.0 से लेके 0.236 लेवल का 50% लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जब मार्केट 0.5 लेवल से रिवर्ट करी उस केस में क्या करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस में क्या होता है, जैसे जो मार्केट 0.5 और 0.618 के मिड से अगर रिवर्ट कर गए, मिड मतलब कि 0.5 से नीचे आई, ठीक है, बट 6:18 को टच नहीं किया, उससे पहले ही रिवर्स कर गया हमारे फेवर, हमारे ट्रेड के रिवर्स कर गया, उस केस में देयर आर 90% चांसेस कि मार्केट अब नीचे आपके फेवर में नहीं आएगी, वो अब एक रिवर्सल ही देगी। उस केस में आप क्या करिएगा, अपना अगर एक एक सेफ ट्रेडर हैं, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप एक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट एंड यू शुड क्लोज योर ट्रेड, ठीक है।
फिर भी अगर आप एक कहते हैं ना कहीं अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप स्टिल रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस या तो कोस्ट टू कोस्ट लगा दीजिए या 236 लेवल का आपको अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि एक आप छोटे स्टॉप लॉस से निकल सके। बट आई इफ़ यू आर सेफ ट्रेडर तो आई विल एडवाइज़ यू कि आप अपना ट्रेड उसमें क्लोज कर दिए, ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिट में अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट 0.5 से लेकर 0.68 लेवल के मिड से, मतलब बिटवीन से अगर मार्केट रिवर्ट करती है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपके फेवर में दोबारा आएगा। ऑल्दो वो आपके फेवर में आ सकता है, वो 618 लेवल को टच कर सकता है, बट चांसेस आर वेरी लेस। तो आई एडवाइज़ यू कि अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट स्टिल। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप या तो अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लगा सकते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस आप 236 को लेवल को लगा दीजिए, उससे आप एक छोटे स्टॉप लॉस से निकल जाएंगे। इसकी भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ये हमने स्विंग किया, ओके। उसके बाद हमारी एंट्री कब बनी, हमारी एंट्री बनी 10:10 की कैंडल में हमारी एंट्री बनी, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, देखिए 5 लेवल से नीचे आई, बट 618 लेवल को टच नहीं किया और यहाँ से एक रिवर्सल दे दिया। तो उसके बाद देखिए कैसे आपका सीधा, उसके बाद तो उसने हमें सोचने का भी मौका नहीं दिया, सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर यहाँ ऐसे अगर आपकी 618 लेवल और 0.5 और 0.618 लेवल के बीच में से अगर आपको रिवर्सल दिखता है, तो आप अपना ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप उस दिन ऑल्दो कुछ पॉइंट्स में तो आपका प्रॉफिट, आप कुछ पॉइंट में तो आप अर्न कर पाएंगे, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। गाइस आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा इन तीनों केसेस में मैं कैसे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड करती हूँ। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों केसेस में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, तो आई ट्राई टू क्लियर योर डाउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हाउ टू टेक अ काउंटर ट्रेड। मतलब काउंटर ट्रेड दो केसेस में हो सकता है, एक अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, सेकंड अगर आपका स्विंग मिस हो जाए। कई बार क्या होता है कि मार्केट इतनी वोलेटाइल होती है कि जैसे ही उसे 236 लेवल के नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करते ही वो हमारा कोई पहला टारगेट या दूसरा टारगेट अचीव ही कर जाती है, तो उस केस में हमारा जो स्विंग है मिस हो जाता है, हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो उस केस में हम कैसे सेकेंड स्विंग खींच के ट्रेड ले सकते हैं, यह मैं आपको बता देती हूँ। उस केस में हम सेकेंड स्विंग कैसे खींचेंगे आपको बताती हूँ। देखिए जैसे कि फिफ्थ जैन की एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे एक स्विंग खींचा, ठीक है। जैसे ये 925 की कैंडल ने मेरी क्लोजिंग दी उसके ऊपर 236 के लेवल के ऊपर, उसने मेरा टारगेट ही अचीव कर लिया 618। इस केस में हमारा स्विंग मिस हो गया, हम ट्रेड नहीं ले पाए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस दिन केस में आज का एक दूसरा स्विंग खींचेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा स्विंग खींचूँगी, मतलब आज के लो से, जहाँ पे मुझे एक ट्रेंड रिवर्सल की एग्जांपल मिलेगी, जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है, वहाँ पे मैं एक दूसरा स्विंग खींच के आई टेक अ ट्रेड। देखे मैंने जैसे स्विंग खींचा, और जैसे ही 955 की कैंडल ने 236 लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग दी, मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। बट जब गाइस मैं दूसरा सेकेंड स्विंग खींच के ट्रेड लेती हूँ, तो मैं 618 का वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि उस केस में मुझे पता है कि रिवर्सल बहुत छोटा होता है। तो आई बुक ऑल माई प्रॉफिट, आई क्लोज माई ट्रेड एट द 0.5 लेवल पे। तो गाइस अगर आप पहला स्विंग आपसे मिस हो जाता है, और आप अगर सेकंड स्विंग से ट्रेड लेते हैं, तो उस केस में मेक श्योर कि बुक योर प्रॉफिट है 0.5 लेवल। आप 618 लेवल का वेट मत कीजिएगा। सेकंड स्विंग में हमेशा मेरा जो टारगेट होता है वो होता है 0.5 लेवल। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 0.5 लेवल आया,
उसके बाद मार्केट रिवर्ट कर गई। तो जब हमारे हमारे किसी भी केस में पहला स्विंग मिस हो जाए, उस केस में हम दूसरा स्विंग खींचेंगे, हम ट्रेड लेंगे, बट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 0.5 लेवल, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, 236 लेवल हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्ट कर गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक काउंटर ट्रेड लेना है तो आप 955 वाली स्ट्रैटेजी से काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, कि जैसे ही 955 वाला हाई ब्रीच करेगा आप एक काउंटर ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर मार्केट रिवर्ट कर जाती है तो आपके 236 लेवल के नीचे आपको दोबारा कोई भी 5 मिनट की क्लोजिंग देती है तो यू कैन टेक अ ट्रेड अगेन, ठीक है। तो इन दो केसेस में आप काउंटर ट्रेड ले सकते हैं इन केस ऑफ हिटिंग अ स्टॉप लॉस। फर्स्ट आप 955 वाली स्ट्रैटेजी से ले सकते हैं, सेकंड अगर आपको दोबारा 236 लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट की कैंडल तो आप एक सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, उससे क्या होगा आप अपना कुछ लॉसेस को कम कर सकेंगे, ठीक है। ये तो क्या हाउ टू टेक अ काउंटर ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू बुक, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम अपने आप प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करते हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ मैं अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करती हूँ। देखिए दो केसेस, जैसे कि आप जानते हैं मैं दो केसेस में ट्रेड लेती हूँ, एक जब 236 लेवल ब्रीच होता है कोई भी 5 मिनट की कैंडल, और एक जब 955 वाली मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखिए पहला तो मेन तो मेरा क्या फंडा होता है, जैसे ही 236 लेवल ब्रीच हुआ, जैसे आप अगर स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी से ट्रेड करें तो आई सजेस्ट यू कि जैसे अगर आप 236 लेवल से ट्रेड ले रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, अपना 50% प्रॉफिट 0.5 लेवल पे कर लीजिए, और आप सेकंड जो अपना 50% प्रॉफिट आप 618 लेवल पे कर लीजिए। बट कई बार क्या होता है, मैं कैसे करती हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा 236 लेवल ब्रीच हुआ, मेरा टारगेट भी अचीव हो गया, बट जो स्मार्ट डेटा है वो मेरे फेवर में है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली मुझे सिग्नल दे रहा है कि नहीं, जिस साइड मैंने ट्रेड लिया जो लॉन्ग है शॉर्ट, स्मार्ट डेटा भी मुझे स्ट्रॉन्गली सिग्नल दे रहा है कि नहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस साइड, और मुझे पता है कि मार्केट और उस मेरे फेवर में जा सकती है, मतलब मार्केट मुझे और प्रॉफिट दे सकती है। तो मैं उस केस में क्या करती हूँ, जैसे ही मेरा सेकंड टारगेट अचीव होता है 0.618 लेवल अचीव हुआ, उस केस में मैं क्या करती हूँ, अपना जो उससे प्रीवियस लेवल है उसको मैं अपना स्टॉप लॉस बना देती हूँ। मैं आपको इसे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको इसे और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल ठीक है, मैं आपको वैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वो लिया, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, पर मैं आपको समझा देती हूँ मैं कैसे करूँगी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 950 की कैंडल ने मुझे क्लोजिंग दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने मेरा ये 618 लेवल टच कर लिया, बट जो मेरा स्मार्ट डेटा है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे बोल रहा है कि नहीं मार्केट शॉर्ट में है, जो स्मार्ट डेटा मुझे बोल रहा है कि नहीं मार्केट और नीचे जा सकती है, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मार्केट और नीचे जा सकती है। उस केस में मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरा 618 लेवल टच होगा जो होगा 31873, मैं 0.5 लेवल को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना दूंगी 31925, ठीक है। जैसे 618 टच हुआ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 0.5 लेवल। उसके बाद और नीचे आया, जैसे 786 लेवल टच हुआ तो मेरा 0.681 लेवल मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद और नीचे आया, अगर ये 1 लेवल टच हो गया तो 0.786 लेवल मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे नीचे मेरे फेवर में अच्छी आती गई तो मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मतलब मैं पूरी रैली का फ़ायदा उठा पाऊँगी। तो बट ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, आप स्टार्टिंग में जब स्ट्रैटेजी अगर ट्रेड करें तो आप कोशिश करिए कि आप सेकंड टारगेट पे अपना ट्रेड क्लोज कर लीजिए, पर अगर क्योंकि मैं तो स्मार्ट डेटा की हेल्प लेती हूँ और मेरी प्रैक्टिस है तो मैं काफ़ी कई बार ये ट्रेल करती हूँ अपने प्रॉफिट को, तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं बट ट्राई टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड अगर मैंने 955 की कैंडल से ट्रेड लिया, मैंने 955 के लेवल से ट्रेड लिया तो उसके बाद मैं देखती हूँ, आपको मैंने बताया हुआ कि मैं कैसे अपना टारगेट कैलकुलेट करती हूँ, बट उसके अलावा मैं देखती हूँ कि मेरा स्मार्ट डेटा क्या कर रहा है, और उसके अलावा मेरे कोई सप्लाई या डिमांड जोन तो नहीं है उसके ऊपर जहाँ मैंने जिस में ट्रेड लिया, मैं उससे अपना प्रॉफिट बुक करती हूँ। जैसे आज की एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आज बताया भी था कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिए थे,
लॉन्ग ट्रेड, जैसे मेरे 955 की कैंडल का हाई ब्रीच हुआ मैंने दोनों में लॉन्ग ट्रेड लिया। बट निफ्टी जो बैंक निफ्टी का स्मार्ट डेटा था वो बहुत वीक, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑल्दो मेरे फेवर में था, इट वाज अ पॉजिटिव, बट वो इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं था। और उसके बाद जैसे मैंने ट्रेड लिया मुझे एक सप्लाई जोन मिली, तो मैंने उस सप्लाई जोन पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज के एग्जांपल ही लाइव दिखाई देती हूँ मैंने कैसे किया था। देखिए मैंने ये 955 कैंडल ये थी, जैसे 105 की कैंडल ने इसका हाई ब्रीच किया था, क्लोजिंग दी थी, मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया था, बट मैंने इस कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था 1020 की कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये होती एक सप्लाई जोन थी, यहाँ से मार्केट मुझे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन थी, क्योंकि इससे इस लेवल से मार्केट ने काफ़ी अच्छा हमें डाउन ट्रेंड दिया था। और जो बैंक निफ्टी का डेटा था वो पॉजिटिव था, बट इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं था, इसलिए मैंने इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। बट मैंने निफ्टी में जब लॉन्ग ट्रेड लिया था उसमें मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था, उसमें मैंने अपने टारगेट का वेट किया था, क्योंकि उसका जो डेटा था, जो स्मार्ट डेटा था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव था, इसलिए मैंने उसमें अपने टारगेट का वेट किया था। बट बैंक निफ्टी पे मैंने इस सप्लाई जोन पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप 955 के लेवल से ट्रेड लेते हैं तो आप एक आगे ये देख लीजिएगा कि अगर आपके टारगेट से पहले अगर कोई हर्डल तो नहीं है, कोई सप्लाई या डिमांड जोन तो नहीं है, तो आप उस पर अगर आपका कोई सप्लाई या डिमांड जोन है तो आप उस पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू करें। तो ठीक है गाइस, स्मार्ट डेटा कैसे रीड करते हैं, सप्लाई या डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको समझना और ईजी हो जाए। उसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ये भी आए हैं कि मैम हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। गाइस जैसे मैं अपने केस में क्या करती हूँ, मैं अपने केस में ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करती हूँ। क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करती हूँ, ऑप्शन सेलिंग से मुझे सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरा जो टारगेट ट्रेड है वो लंबा भी खिंच जाए तो भी मुझे प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैं थीटा का फ़ायदा उठाती हूँ। बाइंग में क्या होता है कि अगर बाई चांस मार्केट मेरे फेवर में आने की जगह मेरा टारगेट अचीव करने से पहले अगर मार्केट कंसोलिडेट कर गई तो उस केस में क्या होता है, मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मुझे थीटा का नुकसान होता है। तो इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करती हूँ। और उस केस में एक और मुझे फ़ायदा होता है, अगर मेरे को मेरा ट्रेड रिवर्स भी हो जाता है, मुझे अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो उस केस में मुझे नुकसान कम होता है। तो इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादातर करती हूँ। ऑल्दो मैं कई बार ऑप्शन बाइंग भी करती हूँ, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू डू ऑप्शन सेलिंग व्हेन आई टेक अ ट्रेड। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है, नेक्स्ट क्वेरी जो आई मेरे पास आई है कि व्हाट इज़ गैप एंड गैप डाउन, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट आज गैप डाउन एंड गैप अप है। उस केस में मैंने पहले भी आंसर किया है कि मार्केट जब 0.75 लेवल से ऊपर, 0.75% से ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन होता है, उसे हम गैप अप या गैप डाउन मतलब उसे गैप अप और गैप डाउन लेती हूँ। कि जैसे ही निफ्टी या बैंक निफ्टी 0.75 लेवल से ऊपर ओपन हुआ है, दैट डे इट इज़ अ गैप अप एंड गैप डाउन फॉर मी। दैट डे मैं वेट करूँगी आज के स्विंग खींचने का, उस जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में अपना बताया था उस वे से मैं उस दिन ट्रेड लूँगी। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे इस स्ट्रैटेजी से अपने रिस्क को मैनेजमेंट करती हूँ, क्या मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे ट्विटर पे लिख सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे लिख सकते हैं। तो आई ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू गाइज़।